नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ और इस वक्त हम बल्लभगढ़ की यादव कॉलोनी के जैनिथ हॉस्पिटल में हैं, जहां पर आज अटल बिहारी जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो है एक महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के और फरीदाबाद से वरिष्ठ भाजपा के नेता टिपरचंद शर्मा जी आए हैं, जिन्होंने लाल फीता काटकर इस महारक्तदान शिविर का जो है शुभारंभ किया है। वहीं इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला के प्रधान पुनीता हसीजा भी यहां पर आई हैं। आज एक दो देश की महान हस्तियों के जन्मदिन है, माननीय हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, और दोनों उत्तर प्रदेश के जन्मे हैं, देश के जन्मे हैं, और दूसरी बात दोनों रतन भारत रत्न से सम्मानित है। ये बड़े सौभाग्य दिन है आज के दिन, और इसी खुशी में आज हमारे जनित हॉस्पिटल वालों ने ब्लड कैंप लगाया, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, और आगे भगवान ना करे कोई ऐसी, जैसे कह रहे हैं कोरोना का दूसरा कोई लहर, तीसरी कोई लहर, इस तरह की सेफ्टी के लिए भी मैं डॉक्टर साहब को भी आपके माध्यम से अपने जिले के वासियों को भी बहुत सावधानी से रहें, सावधानी से काम करें, दवाइयों का खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखें। बहुत बहुत बधाई आज के लिए। पहले तो मैं जैनिथ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर प्रियंका एंड डॉक्टर जी के शर्मा जी, इनको मैं बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा दिन चुना। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के मतलब बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और उन्होंने देश सेवा में ही अपना जीवन लगाया है, उनको उनके जन्मदिन पर ऐसा अवसर मतलब हम इनको मिला है कि ये रक्तदान का एक शिविर लगाएं, जिससे लोगों में ये भावना जागृत हो कि अगर एक व्यक्ति देश के लिए इतना महान होने के बावजूद भी पूरे टाइम उसने ज़िंदगी देश के लिए न्यौछावर कर दी, तो एक हम एक बॉटल खून देने में या थोड़ा सा खून देने में अगर हम अपना योगदान दे सकें तो उससे बढ़िया क्या बात होगी, क्योंकि रक्तदान जो है सबसे बड़ा महादान है। अगर हम एक बॉटल ब्लड देते हैं तो उससे हम चार जनों की ज़िंदगी बचाते हैं, क्योंकि ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, हर कंपोनेंट से हम किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो हर व्यक्ति को रक्तदान कम से कम साल में 3 बार तो ज़रूर करना चाहिए, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहते हैं कि अगर आप खून नहीं दोगे तो 120 दिन में आपके जो लाल खून के सेल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नए बनते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम किसी को ही खून दे के उसकी ज़िंदगी बचाने में काम लाएं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से अच्छा अवसर कोई हो नहीं सकता है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जी के शर्मा है, जैनिथ हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ, और आज हमने रक्तदान शिविर लगाया है। हम कोशिश करते हैं कि हर 5 से 6 महीने में रक्तदान शिविर लगाएं। आज जो रक्तदान शिविर होने वाला है इसमें हमारा टारगेट है कम से कम 50 यूनिट ब्लड का हम अरेंजमेंट कर सकें मरीजों के लिए, और इस तरह के प्रोग्राम हम बार बार करते रहना चाहते हैं। आज का जो मुख्य दिवस है, आज वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है, तो इसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, मैं डायरेक्टर जैनिथ हॉस्पिटल हूँ। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, और क्योंकि रक्तदान एक बहुत ही महादान है, तो हम पूरा कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा आयोजन चल रहा है। आप देखिए, विवेक शर्मा, विवेक कहाँ से है? मैं भीमसेन कॉलोनी से। आपको इस रक्तदान शिविर के बारे में कैसे पता चला? मेरे को मेरे भाइयों ने फ़ोन करा था कि यहाँ पर रक्तदान हो रहा है, इसलिए मेरे को मैं आया। पहले कभी रक्तदान किया? नहीं, पहली बार है। पहली बार कर रहे हैं? हाँ जी। क्या सोचा है इस बार के, किस के लिए आपने किया है? किसी ना किसी का भला हो जाएगा मेरे थोड़े से रक्त से, किसी की जान बच जाएगी। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बंदा कर सकता है उसको करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुनीता। प्रोजेक्ट वाले का नहीं है जी, कहाँ से हैं आप? 3 सेक्टर से, नर्सिंग कॉलोनी से। तो आज आपने ब्लड डोनेट किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले कभी किया है? नहीं जी, आज पहली बार करा है। तो क्या सोच रही है इस बार आप, आपने ब्लड किया, ब्लड डोनेट किया जो? मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही, सोच रही हूँ कि सब ऐसा करें। अक्सर देखा जाता है महिला वर्ग पीछे रह जाता है, युवा वर्ग ही आगे आता है या अन्य वर्ग पुरुष होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, महिला भी सबसे आगे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे और महिलाओं? सबको यही देना चाहती हूँ कि सब जितना हो सके ब्लड दें। कितना सुकून मिलेगा किसी दर्द में? हाँ जी बिल्कुल, सुकून मिलेगा।